रालोट पदाधिकारियों को बांटे मनोनय पत्र। बैठक में संगठन को मजबूती का पढ़ाया पाठ। कार्यकर्ताओं में जोश भरने को लेकर हुई कस्बा सौंख में बैठक। रामरसपाल पौनिया जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक दल मथुरा। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 26 अगस्त 2020 को कस्बा सौंख के अंतर्गत वासुदेव मैरिज होम सौंख में राष्ट्रीय लोक दल की बैठक हुई। इस बैठक में कार्यकारिणी में नियुक्त पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र वितरण किए गए। नवनियुक्त पदाधिकारियों को जिला अध्यक्ष रामरसपाल पौनिया द्वारा मनोनयन पत्र वितरण किए गए। उन्होंने सभी सब पार्टी की नीतियों को आम आदमी तक पहुँचाकर 2022 की तैयारी में जुट जाने की अपील की। पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत चौधरी अनूप सिंह ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को संगठन की कार्यशैली से अवगत कराते हुए सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। सदस्य जिला पंचायत सुरेश भगत जी युवा राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर युद्धवीर सिसोदिया ने भी संगठन में कार्य करने की क्रिया पर प्रकाश डाला। सभी पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान ममपाल सिंह गुट्टू प्रधान, मास्टर धीरेन्द्र सिंह थान सिंह पूर्व प्रधान, गौरव मलिक, सज्जन सिंह, बच्चू सिंह, बलजीत सिंह पूर्व प्रधान, अशोक प्रधान, संतोष राणा, शैलेन्द्र सिंह, भोला कुंतल चौधरी, वीरपाल सिंह, नैनू पट्टी, नीरज सोलंकी, धर्मवीर, मनोज रामपुर, मास्टर सत्य प्रकाश, जगदीश चौधरी, जिला प्रवक्ता मीडिया प्रभारी विवेक देसवार ने कार्यक्रम का संचालन किया। तो वो बहाल की है, चौधरी साहब ने आदेश किया कार्यकारिणी बनाइए, अब चुनाव आने वाला है। तो कोरोना का प्रकोप चल रहा था, सबसे पहले तो मैं बधाई ये दूंगा कि कोरोना में ईश्वर की कृपा से हमारे ज़िले में है तो कोरोना से बहुत बड़ा नुकसान, परंतु फिर भी जान माल का खतरा कम ही रहा है। ये ईश्वर की कृपा है, यहाँ ब्रज है, यहाँ कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, उसी की वजह है कि यहाँ कोरोना से बहुत बड़ी क्षति। आज मनोनयन पत्रों का जो पार्टी का हमारा जो कार्यकारिणी भंग पड़ी थी, तो आज कार्यकारिणी बनने के बाद में तो उन्होंने ये कहा चुके सामने कि विधानसभा आज रखिए, जिले में एक साथ बुलाओगे तो भीड़ हो जाएगी। तो हमने विधानसभाओं में जा करके वो पदाधिकारियों के जिले की जो पदाधिकारी बने थे उनको मनोनयन लेटर दिए। पहले बलदेव दिया, फिर माठ दिया, माठ विधानसभा में, फिर मथुरा वृंदावन दिया, आज गोवर्धन विधानसभा में दिया है, और 30 तारीख को छाता विधानसभा। अच्छा, मनोनयन पत्रों से आपको ऐसा लगता है कि संगठन कितना मजबूत हो पाएगा? देखिए, संगठन में तो इतना बड़ा उत्साह है आज, इसमें ऐसा लग रहा है कि पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पहले वाले रूप में निश्चित आएगी, क्योंकि इसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग इस संगठन में आए हैं। इस पूरी विधानसभा में हर क्षेत्र का हर जाति का व्यक्ति, एक से एक बड़ा आदमी, बड़ा क्या विचार में बड़ा आदमी इसमें हमारे संगठन से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दूसरी पारी मैं जिलाध्यक्ष दोबारा उन्होंने घोषित किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट राष्ट्रीय नेतृत्व का। इस दूसरी नई पारी में हमें उम्मीद है, आशा है, गिरिराज महाराज की कृपा, श्री कृष्ण भगवान की कृपा रहेगी, राष्ट्रीय लोकदल जिला पंचायत सदस्य जीतेगा, अध्यक्ष जीतेगा, MLA जीतेगा। अगर ये कहा जाएगी या तो उत्साह होगा, क्योंकि अन्य पार्टियां जो है वो वर्चुअल मीटिंग कर रही है, वर्चुअल संवाद कार्यकर्ताओं से कर रही है, ऐसे समय में मान लो कुछ चंद जो मनोनयन पत्र आपने देकर के, किस तरह आप उम्मीद करते हैं? राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय चाहे कहीं भी केंद्र में प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, मथुरा जिले में राष्ट्रीय लोकदल की सरकार रहती है और राष्ट्रीय लोकदल की सरकार रहेगी। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को खेत खलियान गांव किसान को कोई खत्म कर दे। किसान जब तक रहेगा, चौधरी चरण सिंह का नाम रहेगा, खेत रहेगा, खलियान रहेगा, गाँव रहेगा, राष्ट्रीय लोकदल जिंदा रहेगा। सर, अध्यक्ष जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जिला पंचायत में लोकदल क्या भूमिका निभाएगा? सर, राष्ट्रीय लोकदल का सदस्य बहुमत में जीतेंगे और अध्यक्ष बनेगा और विकास होगा गांव का। और राष्ट्रीय लोकदल से पहले कभी गांव में जानते ही नहीं थे जिला पंचायत को, जब ही से जाने आदरणीय जैन चौधरी जी यहाँ MP बने, उसके बाद में जिला पंचायत गांवों तक गई और विकास। सर, आज ये वासुदेव मैरिज होम सौंख में जो ये कार्यकर्ता जो बैठक हुई है, इस पे क्या कुछ कहना चाहोगे? सर, इस पे महाराजा अनेकपाल की राजधानी कस्बा सौंख में मैं जिला पंचायत सदस्य सुरेश चौधरी सुरेश भगत जी, जो मैं यहीं का निवासी हूँ, गाँव मेरा नगला भीजिए पड़ता है, 20 नंबर वार्ड से जिला पंचायत सदस्य हैं। आज हमारे राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी जयंत जी के अनुसार ये मीटिंग हुई है। आज यहाँ जो संगठन की जो रीढ़ होती है हमारे कार्यकर्ता जी, उनके लिए पत्र दिए गए हैं और नए हिसाब से जो पार्टी की प्रक्रिया है उसको चालू करने के लिए हमारे जिलाध्यक्ष रामरसपाल पौनिया जी, अनूप जी जो जिले के चेयरमैन रहे हैं जिला पंचायत के, अनूप जी, और हमारे ब्लॉक प्रमुख बाबूलाल जी, जो जिन्होंने सभी के लिए प्रपत्र दिए, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, जिला पंचायत सदस्य की तरफ से, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।